हमारे साथ हैं अभी पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा। हम सीधे उनसे जानने की कोशिश करते हैं, आज एक बड़ा दिन है आपके लिए। उपेंद्र कुशवाहा जी, उपेंद्र कुशवाहा जी आज आपके लिए ऐसे कैसे बात हो पाएगी? हम तो सब सवाल का जवाब दिए, सवाल का जवाब दिए, लेकिन आज लगता है कि आपकी भूमिका और भी बढ़ जाएगी। कैसे ऐसे बात हो पाएगी? आपकी भूमिका और बढ़ जाएगी, बिहार के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाने में कोई बात नहीं हम कर पाए, जिम्मेदारी बढ़ जाएगी बिहार के प्रति का। जहाँ तक सवाल है तो जिम्मेदारी वहाँ नीतीश कुमार जी तय करेंगे, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका हम निर्वाह। लगता है कि जिम्मेदारी और बढ़ने वाली है, आपको बिहार में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट। जिम्मेदारी की कोई मांग नहीं है, कोई शर्त नहीं है, जो जिम्मेवारी नीतीश कुमार जी देंगे, बड़े भाई हैं, हम उस जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे, जहां फिट करेंगे वहां फिट। आप जो नई शिक्षा नीति का आपने ऐलान किया था, साथ में जो कॉलेजियम सिस्टम का आप विरोध कर रहे हैं, ये भी जारी रहेगा आपका? सब लोगों को मालूम है कि कॉलेजियम सिस्टम बिल्कुल गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, उसके लिए तो निश्चित रूप से हम जहां हैं रहेंगे, वहीं से हम आंदोलन को बढ़ाएंगे। आपकी 25 सूत्री शिक्षा नीति थी, आप उसको अब अमल करवाएंगे? उस पर निश्चित रूप से हमारा ध्यान रहेगा। उपेंद्र कुशवाहा जी, आपसे, आपको जनता दल यूनाइटेड का एक वरिष्ठ नेता, आप नीतीश कुमार के साथ फिर से जुड़ रहे हैं, नीतीश उपेंद्र कुशवाहा की जोड़ी जनता दल यूनाइटेड के वोट बैंक में कितना असर डालेगा? अरे अब क्या है इतना? तो उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की जोड़ी क्या फिर एक बार बिहार में, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की जोड़ी क्या एक बार फिर से बिहार में कुछ कमाल कर दिखाएगी? कयास जो लगाए जा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के साथ आने से निश्चित तौर पर जेडीयू का वोट बैंक बढ़ेगा, जो आने वाले किसी भी चुनाव में जेडीयू को काफ़ी फायदा पहुंचा सकता है। आज उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के लव कुश समीकरण में बिल्कुल फिट हो गए हैं, और उपेंद्र कुशवाहा ने नवभारत टाइम्स से खास बातचीत करते हुए कहा कि उनका जो एजेंडा रहा था, जो 25 सूत्री शिक्षा कार्यक्रम जो उनका था और कॉलेजियम सिस्टम को लेकर जो उनका विरोध था, वो जेडीयू में भी वो जारी रखेंगे। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि वो जहां भी रहेंगे वो अपने जो एजेंडे थे उसको लगातार वो जारी रखेंगे। नीलकमल, NBT न्यूज़, पटना।